ये कह रहा है, अब ये ले रहा है, अब ये ले रहा है। देयर वाज ओनली वन वुमन इन दैट एंटायर अवार्ड सेशन जिसको अवार्ड दिया गया। तो देयर सीम्स टू बी अ वेरी रेजिस्टेंस, कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस जो माशरे के अंदर है, इसको किस तरह से फाइट किया जाए, तो कुछ अंदाज अपने आप ही खुल भी रहे है ना? अब आप ये देखिए कि आप सारी ख्वातीन यहाँ बैठी हैं, आपको ये तारीख शायद नहीं पता हो कि जब मैंने एडमिशन लिया था, आई वॉन्टेड टू बिकम अ डेंटिस्ट, मेरे दाव में एडमिशन हुआ, बट आई डिड नॉट, आई हैड द 8th पोजिशन इन कराची इन द बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मैं डेंटिस्ट्री में चला गया। तो उस ज़माने में अबाउट 1/4 ऑफ द सीट्स वर फॉर गर्ल्स, 3/4 मर्दों के लिए थी। तो मेरी क्लास जो थी 30 की 40 की, उसमें 6 या 7 लड़कियां थीं बस, और ये लॉ के एतबार से था। सुप्रीम कोर्ट ने शायद 80 की दहाई के अंदर ये काम किया कि उन्होंने कहा कि जी एडमिशन अब मेरिट पर होंगे। नतीजा क्या हुआ कि 80%, आपने खुद ही बताया, दाखिले ख्वातीन के होते हैं। और पिछले 30 साल से ये कैफियत है कि उसमें से जो ग्रेजुएट करती हैं उसमें से 50% दे गेट इन टू द मेडिकल कॉलेज, प्रॉब्ली नॉट विद दैट पर्पज, बट इट्स अ गुड डिग्री टू गेट गेट अ बेटर रिश्ता, है ना? बस उठा, बस ये पेज काफ़ी है, ये उठा रहे कि अच्छे रिश्ते के लिए। एक ब्राइड, आपने खुद ही एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, कि डॉक्टर ब्राइड फिनोमेनन जो है। अच्छा, क्या किया फिर इंस्टीट्यूशन ने, क्या किया? बड़े कमाल की बात है कि मैं, अगर मेरी दुकान के अंदर कोई प्रोडक्ट बन रही हो, और मुझे आज तक याद है, मैं एक एक्टिविस्ट, सिविल एक्टिविस्ट, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जब से मेरे आँख खोली है जब से मैं हूँ, तो मैं पता नहीं कितने साल मस्जिदों के बाहर पैम्फलेट बांटते हुए भी गुजारी। हर काम के लिए मस्जिद के बाहर खड़ा होकर पैम्फलेट बांटता था, लोग फाड़ फूड़ कर भी फेंक देते थे। तो मुझे अफसोस होता था कि यार इतना भी इनके जहन के अंदर ये बात बैठी नहीं। तो आई रियलाइज कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि बात कहीं तक पहुंचे। तो मेडिकल कॉलेजेस ने क्या किया? मैं कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा हूं और दुकान के बाहर वो कचरे में पड़ी हो, तो मुझे ख्याल नहीं आएगा कि व्हाट इज हैपनिंग भाई, मुझे सोचना चाहिए था ये हो क्या रहा है। अच्छा, लगे हुए जिनाब तालीम दी जा रही है, तालीम दी जा रही है, वो समझते हैं उनका काम सिर्फ यही है कि तालीम दे दो, आगे जाकर कचरे के डिब्बे में पड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स अ वेस्ट। देखो, मुल्क के रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड हैं, उन रिसोर्सेज के अंदर डॉक्टर्स पैदा हो रहे हैं, और डॉक्टर अगर ये समझते हैं कि सिर्फ वो पैसे देकर और फी देकर पढ़ ले, दैट इज नॉट ट्रू। देर इज अ ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी इन यू बिकमिंग अ डॉक्टर, है ना? इट्स नॉट योर फी विच यू हैव पेड टू बिकम अ डॉक्टर, एंड ऑल गोज टू वेस्ट इन मैरिज। अच्छी शादी करना कोई बहुत ही अच्छी बात है, और अच्छा रिश्ता मिलना अच्छी बात है, आई डू नॉट बिग्रज दैट, एंड आई डू नॉट ब्लेम यू फॉर गेट लीविंग द प्रोफेशन, बिकॉज द प्रोफेशन हैज़ नॉट मेड इट ईजी कि आप लोग सिस्टम में रहें। अच्छा जी, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि सोच कितनी लिमिटेड है। अगर आप चीज़ को वक्त पर हैंडल नहीं करें, कचरे में डालते रहें, कचरे में डालते रहें, तो नतीजा ये होता है कि सोसाइटी में कोई अहमियत ही नहीं थी इस बात की। अब मैं जब से प्रेसिडेंसी में गया, मैं मेडिकल कॉलेजेस को पूछता हूँ कि आपने क्या किया। अजरा फजल पेचोह, रिमार्केबल लेडी, जो मेरे साथ असेंबली में बड़ा काम करती थी, परेशान थी वो भी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ नवाबशाह मेडिकल मेडिकल कॉलेज बनाया फॉर बॉयज़ ओनली। उन्होंने कहा इस चक्कर में ही मत पड़ो। डू यू थिंक दैट्स द वे आउट, कि भाई अब क्योंकि जो 80-40% लड़कियाँ नहीं आती, तो और लड़कियों की सीटें कम कर सिर्फ बॉयज़ मेडिकल कॉलेज बना दें। एटलीस्ट आई एम चैलेंजिंग योर थिंकिंग, एटलीस्ट मैं ये सोचूंगा कि मेरे मुल्क के रिसोर्सेज तो कम से कम इस्तेमाल हो रहे हैं। भाई मैं औरतों की एम्पावरमेंट का शौकीन हूं, बट एट द सेम टाइम आई डोंट वांट कि मैं नलका खोलूं और दरिया में वो पानी सड़क पर बहता रहे और इस्तेमाल ना हो। तो मैं सारी यूनिवर्सिटीज को कहता हूं, कुछ सोचा जी हम ये करेंगे? अरे कोई पॉलिसी है, कोई विजन है कि तुमने सोचा कि क्या करोगे? हाँ जी, हमने वो डे केयर सेंटर खोल दिया है। मैंने कहा उसको कोई प्रोडक्टिव बात बताओ कि जी जब से डे केयर सेंटर खोला है तो हमारे यहाँ 5% बेहतरी हो गई औरतों की, कि दे डोंट गेट मैरिड एंड गो अवे। बट व्हाट इज टेंजिबल? अगर आप कोई आज बिजनेस सेटअप करने चाहें जाएं और आपको पता चले कि 40% प्रोडक्ट आपकी ज़ाया हो जाएगी, तो आप क्या बिजनेस सेटअप करेंगे? और अगर आपको पता हो कि ज़ाया होनी है, तो आपने यहाँ तक किया, लोगों ने फिर ये किया कि यार
खाना इस होटल का जाया मत करो, कहीं एधी में भेज दो। सोचा तो ना कि डू समथिंग अबाउट इट। अभी पिछले दिनों आई हैड अ मीटिंग, सेनेट की मीटिंग थी बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी जिसमें पिम्स आता है ना जी, जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद जिसमें पिम्स आता है। मैंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा जी हम सोच रहे हैं। व्हाट अ वेस्ट ऑफ माय कंट्रीज एफर्ट एंड टाइम एंड मनी कि आप अभी सोच ही रहे हैं। तो आई गेव देम अ टारगेट के नेक्स्ट मीटिंग में कोई विजन लेकर आना, विजन प्रोडक्टिव एतबार से। खैर एक तो ये बात थी जो बहुत मुझे तकलीफ देती है कि इतना इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। तो मैं लिहाजा सेहत सहूलत को मैं मुबारकबाद देता हूँ, सेहत कहानी को, कि आपने एक रास्ता और एक ओपनिंग दी कि जिसके अंदर ख्वातीन ये काम कर सकें। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये टेलीमेडिसिन वॉज माई पैशन। वाई? मैं बिलीव ये करता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर मेडिकल रिसोर्सेज बहुत मुश्किल से लोग पहुंच सकें, जहां हमारी सारी ट्रेनिंग एंड ऑल ऑफ यू डॉक्टर्स आर गिल्टी ऑफ द सेम, सब क्यूरेटिव मेडिसिन के एतबार से निकलते हैं, हैं? सारा ओरिएंटेशन क्यूरेटिव का है, 90% ओरिएंटेशन क्यूरेटिव का है। प्रिवेंशन के एतबार से जब 15-20 साल गुजार लेते हैं आप लोग अपने पेशे में, तो प्रिवेंशन का सोचना शुरू करते हैं। लाइक मी, नो डिफरेंट फ्रॉम यू। जब मैं अच्छी डेंटिस्ट्री ये वो और ये तालीम और वो तालीम सब कुछ करके, फिर मुझे ख्याल हुआ कि यार ये तो दांतों की बीमारियां जो हैं वो 90% प्रिवेंटेबल हैं, और मैं काम किए चला जा रहा हूँ जनाब, रिक्शा अपना चलाए चला जा रहा हूँ, अपनी आमदनी बढ़ाए चला जा रहा हूँ, व्हाट एम आई डूइंग फॉर द कंट्री। तो फिर मैं प्रिवेंशन की तरफ आया, फिर मैंने कहा कि जनाब लोग दांतों को ब्रश करें और ये करें और वो करें। एंड यू नो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू मेक द कम्युनिटी अवेयर ऑफ प्रिवेंटिव सिचुएशंस। ये क्रेडिट टू मिसेज अलवी के ब्रेस्ट कैंसर के एतबार से वो उस स्टेज पर के अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो देर इज सम टेंजिबल रिजल्ट, जिसकी स्टडीज होंगी तो पता चलेगा। बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। आपको मालूम है 15-20 हज़ार मतलब आपने सुना होगा टेलीविजन पर कोविड के दौरान के हाथ धो, मास्क पहनो और फासला रखो, यही 15-20 हज़ार मतलब तो सुना होगा ना, तब जाकर फर्क पड़ा। अपने बच्चों की आप मिसाल ले लीजिए, कितनी मतलब आप पूछते हैं बच्चे से तुमने आज ब्रश किया नहीं किया, थाउजेंड्स ऑफ टाइम यू हैव टू आस्क दैट। तो लिहाजा प्रिवेंशन रिक्वायर्स एन इन्फिल्ट्रेशन इनटू एवरी हाउस विच इज नॉट ईजी, विच इज डिफिकल्ट। एंड लुक द लीडर्स वी हैव प्रोड्यूस्ड, मोस्ट ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन क्यूरेटिव मेडिसिन। सॉरी, देखो जब आपके साथ दिल की बात ना करूं तो मुनासिब नहीं है, सिर्फ आपकी तारीफें करूं तो मुनासिब नहीं है, क्योंकि मेरे मुल्क का एक बहुत बड़ा गम है कि हम सेहत प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जिस वजह से ये जो सेहत कहानी जो है ना, ये इसी वजह से आगे जा रही है क्योंकि नहीं कर सकते। अब मेरा क्या है, मैंने मिसाल देता रहा हूँ अपनी तकरीरों में पिछले 5 साल से, खासतौर पर बहुत पहले से। आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन टेली एजुकेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई टेल पीपल।